उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले दो दिनों से एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हिंदू दलित समाज के किन्नर ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि उसे मुजफ्फरनगर के कुछ दबंग मुस्लिम किन्नर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। मना करने पर दलित किन्नर के साथ मुस्लिम समुदाय के किन्नरों द्वारा मारपीट भी करना प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं योगी सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक मामला पंजीकृत भी नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हिंदू किन्नर को मुस्लिम समुदाय के किन्नर बना पाएंगे, मुस्लिम या फिर दबंग किन्नरों के खिलाफ योगी सरकार लेगी एक्शन, देखना बाकी है। पूरा मामला सर ये है, कुछ दिन पहले हमने जो हमारे बंदे हमारे तरफ के, देखो मैं हिंदू जाति से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि जाटव मेरी बिरादरी जमार की है, तो जैसे कि भाई ये हिंदू मुसलमान है, इन चीज़ों से हमारी बिरादरी को लेकर किलसते हैं। इनको हिंदू का पैसा अच्छा लगता पर हिंदू जाति इनको अच्छी नहीं लगती। जो मैन है यहाँ से बुढ़ाने से, जो मेरे गुरु है नूरी हाजी उर्फ नूर हसन, एक है इसका चेला जो ज्योति उर्फ संसाद, एक है हीना उर्फ बबीता उर्फ इरफान, कुछ बंदे हैं इनके जो नकली भी है, सूट पहनते हैं, बदतमीजी करते हैं, कई गे पर्सन कई कुछ मतलब धमकी देते हैं भाई, कि हम तो सर ये रिक्वेस्ट करते हैं बस इनकी कार्रवाई की जाए और कुछ नहीं। देखो हमने दरख्वास्त भी दी थी, हमने एप्लीकेशन भी दी थी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या एप्लीकेशन दी थी, क्या मांग की थी? हमने की थी मेरा धर्म परिवर्तन करा रहे कि तू जवान है, तू जाटा मतलब जाटा फैमिली से बिलोंग करती है तू, तो अपनी जाति बदल, मोमडन बन, कलमा पढ़, उमराह कर। जी मैंने मना किया तो मेरे पर दबाव डाला। वही रिया किन्नर राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ट्विटर हैंडल से भी कहा गया है कि नहीं हुई कार्रवाई तो दिया जाएगा विशाल धरना। जनमत न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट।